हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं फाइनली अपनी मोस्ट अवेटेड फैमिली ट्रिप पे जा रही हूँ विद माय मॉम, डैड एंड माय क्यूटी सिस्टर। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द लोकेशन। हम कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। मैं 2-3 दिन पहले आ गई थी क्योंकि G20 समिट की वजह से नो फ्लाइंग जोन दिल्ली डिक्लेयर हो गया था, तो मेरी फ्लाइट वाया दिल्ली थी। तो मैं 2-3 दिन पहले कलकत्ता आ गई अपने मम डैड के पास और अब हम लोग जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी मम्मा सो रही है, मम्मा से हाय। तो मम्मा रिलैक्स कर रही है, मैं अपनी कॉफी पी रही हूँ एंड आई विल कीप यू गर्ल्स पोस्टेड। देखते हैं मलेशिया में कुआलालंपुर में कितना देर हमारा हॉल्ट है और फिर उसके बाद आई कांट वेट कि मैं बस जाऊं और बेड पे सो जाऊं, मुझे कोई ना उठाए। बहुत बुरी हालत है, बहुत ही डर है। पिछले आधे घंटे से हम डिक्लाइनर चेयर्स ढूंढ रहे हैं बिकॉज बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। तो चलते हैं, ढूंढते हैं और आपको भी बताते हैं मिला कि नहीं मिला। तो जब जाते हो आप सैटेलाइट बिल्डिंग से मेन बिल्डिंग इन द कुआलालंपुर एयरपोर्ट, सो दे गिव यू फ्री वेलकम ड्रिंक्स, बट सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स है, हॉट ड्रिंक्स में कुछ भी नहीं है। नेस्टिक है एंड लेमन ड्रिंक्स है, ग्रीन एप्पल ड्रिंक्स है, बट नथिंग इज बट तो मैं नहीं पीऊँगी। एजेंट के थ्रू ट्रैवल करती थी, बट दिस टाइम मैंने खुद से बुकिंग्स की, मतलब मेरी बहन ने और मेरे पापा ने। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलना भी इतना स्ट्रगल था, बट वी मैनेज इट। मैं डिटेल में बताऊंगी व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड हाउ यू शुड यू नो कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट। चलो हम लोग होटल जाके आपसे मिलते हैं। तो गाइस, हमारे होटल के नीचे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया एंड यहाँ पे गायत्री मंत्र चल रहा है, टू माई सरप्राइज। तो वी हैव ऑर्डर्ड दाल मखनी, पनीर लबाबदार एंड रोटी। लग रहा है 2 दिन से खाना नहीं खाया यार, बहुत ज़्यादा इंडियन फूड की क्रेविंग हो रही थी। हम तो सिर्फ इंडियन फूड ही खाएंगे ना, हमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है ना, ट्राई करना है। वी आर हार्ड कोर देसी पीपल। तो अभी खाना खाते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, उसके बाद सो जाएंगे और फिर कल मिलते हैं आपसे कल। सो नाउ लेट मी गिव यू अ रूम टूर। तो पहले से ही बैग मैंने रख दिया है, इट्स अ प्रीटी कोजी रूम, बालकनी। चलो ये तो अंधेरा है, कल सुबह मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। एंड प्रिटी लैम्प ओवर हियर, ड्रेसिंग एरिया, टीवी, क्लोजेट्स एंड क्वाइट अ गुड एंड कोजी रूम। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमें फेस करनी पड़ी कि रात में हम चार्ज नहीं कर पाए अपने डिवाइसेस, क्योंकि ये वाला पोर्ट्स यहाँ पे वर्क करते हैं। दे गिव यू वन बट ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, बार बार लाइक ड्रिप कर जाता है एज यू कैन सी। तो अभी इस पे ऐसे समो पावर बैंक चार्ज पे लगाया है। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप या तो ये इंडिया से खरीद के आओ, ये मल्टीपल चार्जिंग वाला पोर्ट, या फिर आपको किसी भी होटल में 50,000 इंडोनेशियन रुपीज डिपॉजिट करना होगा एंड देन व्हेन यू रिटर्न इट दे विल रिटर्न यू द मनी। तो अब इससे चार्ज करते हैं हमारा फोन। इतने सुंदर व्यू के साथ मैं और मेरी मम्मी की चाय। मामा चीयर्स। तो हमने आज
आज अपनी कैब बुक कर ली है फॉर डे वन, एंड आज का हमारा आइटिनरी है दैट वी आर गोइंग टू जिम्बारन बीच इन कूटा, देन वी आर गोइंग टू द सनसेट पॉइंट एट तान्हा टेम्पल, एंड आफ्टर दैट हम सनसेट देखने के बाद वी विल बी गोइंग टू फिन्स बीच क्लब. सो हमने इसके लिए क्या किया है, आप चाहो तो दो ऑप्शन है कि आप ग्रैब ऐप से हर लोकेशन के लिए कैब बुक कर सकते हो. तो जो व्हेन वी लाइक यू नो समड अप इट वाज कमिंग मोर देन अराउंड 7 to 8 इन इंडोनेशियन रुपीज, एंड जब हमने खुद से एक ड्राइवर बुक किया सो इट वाज कमिंग लेस. सो वी आर कमिंग विद द कैब, आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हो. Now we have reached this Jimbaran beach. So हम हमारे सेकेंड स्टॉप पे आ गए विच इज इन नूसा दुआ इन कूटा, एंड यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, रिलैक्स भी कर सकते हो. सो वील हैव अ लंच ओवर हियर, वी रिलैक्स एंड देखते हैं कुछ एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट्स होता है तो करते हैं, बिकॉज हमने गिली आइलैंड के लिए सारे वाटर स्पोर्ट्स होल्ड पे रखे हैं. वील बी डूइंग इट ओवर देयर. यहाँ के स्ट्रे डॉग्स इतने छोटे छोटे हैं, मुझे तो मेरे शीरो की याद आ गई. शीरो इतने छोटे छोटे हैं. खाना खा लिया है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन. तो नाउ वी हैव रीच्ड अ थर्ड लोकेशन विच इज़ द तान्हा लॉट. इट इज़ वेरी फेमस फॉर सनसेट एंड द टेम्पल इज वेरी ब्यूटिफुल. सो इफ अलाउड मैं आपको अंदर दिखाऊंगी, नहीं अलाउड होगा तो नहीं दिखा पाऊंगी. सो यहाँ पे लोकल मार्केट है विच आई विल गिव यू अ स्मॉल टूर एज वेल. Shopping lovers, you will find great deals over here, but bargaining karni padegi. Shanti, kaise na? No, there is never a difference. Okay. कितना सुंदर लग रहा है ना यार. सो दिस इज द सनसेट पॉइंट एंड वी हैव टू वॉक ऑल द वे टू द टॉप. यस यस वी हैव टू गो देयर. सो अब हम जा रहे हैं ऊपर वहां पे. चलो हाँ, कितना सुंदर लग रहा है. ये पार्क बना हुआ है बहुत सुंदर है ना. तो यहाँ पे तीन तीन चीज हो जाती हैं, आप टेम्पल भी विजिट कर लेते हो, पार्क में सनसेट भी इंजॉय कर लेते हो. कितना बड़ा स्नेक है, ये एनाकोंडा लग रहा है मेरे को तो. अब ये लोग पिक्चर्स क्लिक करेंगे इसके साथ, मैं तो नहीं करूँगी. आर्किटेक्चर कितनी सुंदर है,